The condition of a purely mona? Yes, इसको समझते हैं V omega equals V by R, अच्छा भाई ये भाई वो भाई अच्छा ठीक है भाई। अगर मान लो हम ध्यान दें तो इसके सभी पॉइंट की रफ्तार देखो तो याद करो किस पॉइंट की रफ्तार जीरो होती थी। अगर आप प्योर रोलिंग हो रही हो तो एक पॉइंट ऐसा होता है जिसकी रफ्तार जीरो होती थी, बॉटम मोस्ट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? बॉटम मोस्ट पॉइंट होता था जिसकी रफ्तार दूसरे को देखोगे तो क्या वो ओमेगा से घूमता हुआ नजर आएगा किससे नजर आएगा? ओमेगा से घूमता हुआ। चलिए भाई ठीक है, दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू, अगर आप और ध्यान देखो तो अगर हम इसे देख रहे हैं तो मैं समझ में आ रहा है चल भी रहा है घूम रहा है। सोचते देख मैं अगर इस इंस्टेंट पे यहां बैठ जाऊं, इस इंस्टेंट पर अगर यहां बैठ जाऊं तो क्या वी कैन अज्यूम दिस बॉडी एज अ प्योरली रोटेटिंग बॉडी अबाउट दिस एक्सिस लाइक दिस ओमेगा? इस इंस्टेंट के लिए यहां बैठा, सेंटर पे नहीं बैठा, ग्राउंड पे भी नहीं बैठा, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट पॉइंट। अरे भाई साहब, क्या पॉइंट रेस्ट पर है? ये पॉइंट पर है तो बॉडी पर ही, पर है तो अगर मैं बॉडी के इस पॉइंट पर बैठकर सबको देखूंगा फिर तो बॉडी का ये पॉइंट चल रहा है कि रुक रहा है? ये जो भी ये पॉइंट है ये पॉइंट चल रहा है कि रुका हुआ है? रुका हुआ। तो ग्राउंड फ्रेम पर रेस्ट पे आ गए इस फ्रेम में, पर इस फ्रेम के लिए बॉडी क्या कर रही है? प्योर रोटेशन कर रही है। क्या कर रही है? अच्छा फिर इसे बोला गया इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस क्यों? क्योंकि ये इसी इंस्टेंट के लिए वैलिड है। अगले इंस्टेंट पे दूसरा पॉइंट आ जाए, अगले इंस्टेंट पे, इसलिए बोला गया इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन इज अ पॉइंट विच इज एट मोमेंटली एट रेस्ट। अबाउट दिस पॉइंट बॉडी इज परफॉर्मिंग प्योर रोटेशनल मोशन। बॉडी इज परफॉर्मिंग, यार मुझे लगा है तुम्हें आया, जैसे फिर वासनी में दोनों देख कैसे ध्यान सुनना अच्छे से देख। अगर तू ध्यान दे तो इस वाले सवाल में जब हम किसकी रफ्तार लिखा करते थे तो हम कैसे लिखते थे? हम लिखते थे v plus omega r यानी कि 2v, याद है? भूल गया। फिर हम इधर लिखते थे v, फिर हम इधर लिखते थे v के अंदर का रिजल्टेंट रूट 2v आता था, क्या जीरो आता था? अरे हाँ बोल। ऐसे इसका भी v और इसका भी v, और क्या इसका रूट 2v? कोई दिक्कत? सेंटर की रफ्तार v है, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो अगर आपको पता है तो। ध्यान से इसको अगर सेंटर माने तो इस पॉइंट की रफ्तार होगी ओमेगा इनटू 2r। अरे भाई साहब, ओमेगा इनटू 2r, ओमेगा इनटू 2r, ओमेगा इनटू 2r इज 2v। अरे यार, ओमेगा इनटू 2r इज 2v। अगर इसे सेंटर माने तो आपको समझ में आएगा कि ये दूरी रूट 2r है। अरे कितनी है? कितनी है? रूट 2r। इसे सेंटर माने तो इस पॉइंट की रफ्तार ऐसे होगी ओमेगा इनटू रूट 2r, दैट इज रूट 2v। अरे भाई साहब हाँ तो बोलो। इस पॉइंट की देखो तो फिर से रूट टू आर, क्या ये रफ्तार ऐसे होगी रूट टू वी? यहाँ से देखो तो सेंटर की रफ्तार होगी ओमेगा आर, जिसकी वैल्यू क्या वी होगी? मैं तो कह रहा हूँ किसी भी जनरल पॉइंट की भी अगर लिखनी हो तो भी आपको कोई तकलीफ, ऐसे लो यहाँ से आर दूरी लो, इसके परपेंडिकुलर लो ओमेगा आर। ये आर सेंटर वाला आर नहीं, यहाँ से दूरी है। अरे भाई साहब हाँ तो बोलो। तो जब भी कोई बॉडी घूमती और चलती है, जब भी कोई बॉडी घूमती और चलती है तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होता है जो रेस्ट पर होता है, क्योंकि किसी भी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के लिए लिखा गया है। मैंने ये वाला इलस्ट्रेशन इसलिए लिया क्योंकि इसमें हमें पता था कि ये वाला पॉइंट रेस्ट पर है। हर बॉडी में अगर मान लो प्योर रोलिंग नहीं हो रही हो तो ये पॉइंट होगा कि कोई और होगा? ये तो मैंने इलस्ट्रेशन आपको समझाया कि प्योर रोलिंग में तो आपको पता है कि सिर्फ वेलोसिटी कहां जीरो होती है। अब मान लो वो बॉडी जिसे जो चल रही है और घूम रही है, जैसे मान लो मैं आपको बात बताता हूं, जैसे समझो कि कोई बॉडी जनरली ये मान लो ऐसे चल रही है, तो कह रहा हूं उल्टे उल्टे लेते हैं ये भी, ये से सेंटर मास की रफ्तार है, बोलो क्लियर? क्या बात है? और ये ओमेगा से घूम रही है, मैं तो कह रहा हूं उल्टा घूम रही है। अब हमें बताइए कोई भी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या लिखी जाती है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर। अरे कहीं तो दुनिया में एक ऐसा पॉइंट होगा जो इन दोनों का समेशन जीरो लाएगा, जो इन दोनों का समेशन लाइक वो बॉडी के अंदर हो, ये आवश्यक नहीं है। पहली बात, वो बॉडी के अंदर हो ये आवश्यक नहीं है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है वो पॉइंट,
पॉइंट बॉडी के अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो कोई ना कोई जगह ऐसी होगी जरूर जहां पर ये रफ वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जिस जगह वो जीरो होगी उस पॉइंट के अबाउट ये पूरी की पूरी बॉडी ओमेगा से घूम रही होगी। किससे घूम रही होगी? जैसे इस पर्टिकुलर केस में हम देखें तो बी ऐसे अब सो कौन कहां पे पॉइंट होगा जहां पे ये जीरो हो सकती है। देख इमेजिन कर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स टू सेंटर मास इज ओमेगा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स टू सेंटर मास इज, सोच कैसे अगर मैं इस वी के परपेंडिकुलर कोई लाइन यू ने परपेंडिकुलर क्यों ली पहले सोच क्या जीरो इस परपेंडिकुलर लाइन पे हो सकता है? अरे ओमेगा आर तो इसके अपोजिट तो अरे तभी तो जीरो होगा। नहीं आया। अरे वैसे हाँ तो बोलो। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू वी, क्या इसी लाइन पे वो होगा? लगता क्यों तभी तो अपोजिट होगा क्योंकि जब भी मैं वेलोसिटी इसमें जो भी पार्टिकल होंगे उनमें वी ऐसे होगा और क्या ओमेगा उसके परपेंडिकुलर या उसके 180 या 0 तो तभी आएगा। मुझे लगा ये तुम्हें आया। अब बताओ ऊपर वाले पॉइंट पे जुड़ रहे हैं कि नीचे वाले पॉइंट पे घट रहे हैं? इसमें अरे कोई पॉइंट जैसे होगा जिसमें जुड़ रहा होगा कोई होगा घट रहा होगा, किसमें? ध्यान से देखो तो यहां का अगर पॉइंट 2 तो ओमेगा आर इधर आ रहा है क्या वी भी इधर आ रहा है? अरे नहीं आया। और ऊपर वाले पॉइंट में क्या कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है इस दूरी पर जहां पर बी इधर हो और ओमेगा एक्स इधर हो? अरे भाई साहब हाँ ना तो बोलो। मुझे लगा है तुम्हें आया। अरे नहीं आया। आया नहीं आया। मान लो कि ओमेगा एक्स और जीरो हो गया और यहाँ पे रफ्तार जीरो हो गई है तो मान सकते हैं कि दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट दिस एक्सिस लाइक दिस। तुझे दूर दूर तक मेरी बात समझ। दुनिया में कहीं ना कहीं जब भी बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन करेगी तो दुनिया में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें इनका समेशन जीरो हो जाएगा। जिस जगह के अबाउट वो जीरो होगा, अच्छा वो पॉइंट फिक्स होगा कि चेंज होता रहे? चेंज होता रहे। इसलिए इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। फॉर दिस फॉर एवरी इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज सेम और चेंजिंग, सेम और चेंजिंग, चेंजिंग। फॉर एवरी इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज चेंजिंग। So confused now, अपन समझे कि हमेशा कहीं ना कहीं दुनिया में एक ऐसा पॉइंट होगा जो रेस्ट पर होगा। क्या होगा? वहां पर जाकर बैठ जाओ और पूरी बॉडी को प्योर रोटेशन मान लो। क्या मान लो? दैट इज द यूज ऑफ आई ए ओ आर। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो आप रफ्तार ऐसे लिखना सीखो या ऐसे लिखना सीख लो। क्या ये थोड़ा आसान है? ये थोड़ा फिर मैं कह रहा हूँ आई ए ओ आर के बिना भी तुम्हारा जीवन बहुत आसानी से चलेगा बिना किसी दिक्कत। इसलिए मैंने इसे आखिरी में पढ़ाया है। ये अगर अच्छे से सीख जाओ तो इसे यूज कर लेना कि मैं वेरीफाई कर पाऊं या कभी लगे तो मैं छोटा कर पाऊं, पर इसको लेके परेशान होने की आवश्यकता जस्ट फील इट क्योंकि एक्चुअली क्या है रियलिटी में दिखता है कमांड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है। अगर ध्यान से देखो तो आप ऐसे सोचो कि ये घूम रहा है तो फीलिंग कम आती है थोड़ी, अरे यार धरती फोड़ के निकल रहा है, पर ऐसा हो नहीं रहा, पर इस इंस्टेंट में ऐसा महसूस करा जा सकता है। ऐसा मान के करो तो सवाल सॉल्व हो जाएगा जबकि वास्तविकता में ऐसा हो पर अगर ऐसे मान लो तो कोई बुराई ओनली फॉर दिस इंस्टेंट, ओनली फॉर दिस। इसलिए उसे बोला जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोला जाता है? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। इसलिए उसे बोला जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ। अरे कभी तो हाँ बोलो, कोई दिक्कत वाली बात सोच लो। बहुत बढ़िया साहब, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आपको अपने शब्दों में क्या लिखना है कि जब भी कोई बॉडी जो दिख रहा है बता रहा हूं सुन लो अच्छे से, क्या अपने शब्दों में लिखना है, जब भी कोई बॉडी चलती है और घूमती है तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पॉइंट ऐसा आता है जहां पर वीपीसी प्लस वीसी का समेशन जीरो। उस पॉइंट पर जाकर अगर हम बैठ जाए तो बॉडी उस इंस्टेंट के लिए उस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन करेगी। पहले जो बोला चमका यार हाँ ना बोल। अब अपने शब्दों में कहानी को चाहे ऐसे ले लेना कि हम अगर चाहें तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन मोशन को प्योर रोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं आई ए ओ आर की मदद से। आई ए ओ फिर ये लिखना जो मैंने बोला, फिर सारी कहानी उतारना। क्या लिखें क्या उतारें? मैं नहीं लिखवा रहा, समझ आया ना? नहीं समझ आया तो दोबारा समझा दो, उतरवाऊंगा मैंने। हम कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को
IUR की मदद से प्योर रोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर BPC प्लस BC का समीशन जीरो होगा, उस इंस्टेंट पर अगर उस पॉइंट पे जाके बैठ जाए तो पूरी की पूरी बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन करेगी। दैट इज हाउ यू कन्वर्ट कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन मोशन इनटू प्योर रोटेशनल मोशन यूजिंग IAOR। क्या ठीक है? मैंने जो अपना मैसेज शेयर करना था that I have conveyed, now it's up to you how you will take it। वापस ट्रैक पे आते हैं तो हमने बोला कि कहीं ना कहीं स्पेस में एक पॉइंट ऐसा जरूर होता है जो क्या होता है, रेस्ट पर। क्या होता है? क्या होता है? जो रेस्ट पर होता है। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, रेस्ट पर होता है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अगर वो रेस्ट पर होता है, अगर वो रेस्ट पर होता है तो उसके अबाउट बॉडी पूरी की पूरी क्या करती है? अब बेसिक बात ये होती है कि वास्तविकता में जब भी कोई बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन करे, जब भी कोई बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन करे तो जाहिर सी बात है मुझे उस पॉइंट को निकालना आना चाहिए। कौन सा पॉइंट? जो रेस्ट पर, जो रेस्ट पर। तो उसके तीन तरीके जो जनरली अमूमन यूज में लिए जाते हैं, कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तो तीन तरीके हैं, वो क्या है? अच्छे सुन। वो तीन तरीके ये है कि जैसे पहला तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर किसी बॉडी का, लिखो, मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट ऑफ IAOR, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट ऑफ IAOR, फर्स्ट समझे, अगर आपको ओमेगा एंड वीसी पता हो, ओमेगा एंड वीसी पता हो, जो भी अभी मैंने सिखाया, ओमेगा और वीसी अगर हमको पता हो तो हमें समझ में आता है कि अगर कोई भी बॉडी ऐसे चलेगी वीसी से तो क्या जो भी इसकी ओर अगर ओमेगा से घूम रही है तो लॉजिकल बात है कि जो ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू वीसी, द रिस्पॉन्स, ड्रॉ अ लाइन perpendicular to VC, draw a line perpendicular to VC and try out the, find out the point where omega x equals to V and omega x and R opposite, जैसे this for particular case क्या यहाँ पे कहीं आएगा? अगर ध्यान से देखो तो ये omega x इधर और क्या V C इधर, क्या ये बन गई IAOR? क्या बन गई? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। क्या बन गई? IAOR। सिंपल। तो अगर मुझे ओमेगा और वीसी पता हो तो ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू वीसी, ड्रॉ अ लाइन एंड फाइंड आउट द पॉइंट ओमेगा एक्स इक्वल्स टू वी एंड ओमेगा एक्स एंड वी शुड बी इन अपोजिट। अरे नहीं आया। जैसे मान लो अगर आप लॉजिकली सोचो कि कोई गोला है ऐसे घूम रहा है वीसी पर, घूम ऐसे रहा है ओमेगा से, सोच इसकी इंसिडेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर होगी? किधर होगी? कोई भी पॉइंट हो सकता है। मान लो मैंने ओमेगा दे, मान लो दे दिया मैंने 10, ध्यान से सुनना, ये दे दिया मैंने 10 और ओमेगा दे दिया 2 रेडियन पर सेकंड, बोल कितना ऊपर? 5। कितना ऊपर? 5। क्या बोल सकते हैं 5 मीटर ऊपर के इसके IAOR है? क्या है इसका? जाहिर सी बात है हमें समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जो रेस्ट पर होगा, उसके अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन मोशन कर रही होगी, पर वो पॉइंट निकालना आना। तो जो बेसब से 90% 95% टाइम जो सिचुएशन होती है उसमें हमें बीसी और ओमेगा पता होता है। क्या पता होता है? अगर बीसी और ओमेगा पता है तो अपने को क्या करना है? ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू बीसी एंड ट्राई आउट द, फाइंड आउट द पॉइंट वेयर ओमेगा एक्स इक्वल्स टू वी, ओमेगा एक्स इक्वल्स टू वी ऑन दैट लाइन एंड दे शुड बी अपोजिट टू ईच अदर, दे शुड बी अपोजिट टू, क्या और पे करूं की बात समझ आ गई? पक्की बात। सेकंड, कभी कभी क्या हो सकता है उसे ध्यान से सुन लें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, अच्छे समझ लें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वीसी गिवन नहीं होता, सेकंड फॉर्मेट ध्यान समझो अच्छे से। सेकंड फॉर्मेट की अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वीसी नहीं गिवन होता, आपको पता होता है वेलोसिटीज ऑफ टू पॉइंट्स, वेलोसिटीज ऑफ टू पॉइंट्स। मैं आपको इसको एक अपने जो स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशन उसके थ्रू बताता हूं। मान लो कि आपको दो वेलोसिटीज पता है v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर, इसमें से कोई सेंटर ऑफ मास में कोई जरूरी नहीं है, हमें तो पता है कि वो बॉडी चल रही है, घूम रही है, हमें उसके ओमेगा भी नहीं पता, bc भी नहीं पता, पर उसके दो पॉइंट की रफ्तार पता है। अरे भाई साहब, हां ना, वो मान लो मेरे को दो पॉइंट की रफ्तार पता है तो फिर मैं ओमेगा कैसे निकाल लूंगा या मैं वो कैसे निकाल लूंगा? जैसे मैं आपको अपने स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशन से बात समझाता हूं, जो हमारी बॉडी प्योर रोल करती है, जो हमारी बॉडी उसको ध्यान से समझना, जो प्योर रोल करती है उसके अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो मान लो ये 2v, क्या चीज 2v, इसकी वेलोसिटी याद कर ऐसे होती थी √2v, इसकी ऐसे होती थी √2v, और ध्यान से देख तो इसकी v। अब देख, मान ले तुझे इनमें से कोई भी दो पता है, इनमें से एक बात अच्छे से समझो कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स की रफ्तार पता है, जैसे मान लो ये ऐसे पता है कि ये v1 है, v1 वेक्टर, अरे बोलो क्लियर, और ये पता है v2 वेक्टर, जो भी वेलोसिटी v1 v2 है क्या ग्राउंड के फ्रेम में? Yes, sir। अगर मैं इंसिडेंट एक्सेल रोटेशन कंसिडर करूं
तो उसके लिए क्या ये बेसिकली ओमेगा आर वन होगा? क्या होगा? और क्या ये ओमेगा आर वन की डायरेक्शन क्या परपेंडिकुलर टू वी वन होगी? अगर मैं इसे प्योर रोटेशन मानू तो वी वन क्या एक वेलोसिटी है? जो सेम होगी ओमेगा आर, क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? और क्या ये आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी वन होगा? इसका मतलब अगर मैं वी वन के कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, क्या ये बात तय है कि इसी एक्सिस पे आई ए ओ आर होगा? अरे भाई साहब नहीं आया, ये तो तय बात है ना, तभी तो ऐसा हो रहा होगा, वरना होना पॉसिबल? सो ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू वी वन। अरे ये बात अगर वी वन के लिए सही है तो वी टू के लिए भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, जहां दोनों मिले वही आई ए ओ आर है। सिंपल, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। देख यहां पे कोई भी दो पॉइंट ले, उनके परपेंडिकुलर पास करेंगे ना, यहीं से पास करेंगे, करके देख कोई भी दो पकड़, ये पकड़, ये और ये, इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर। अरे भाई साहब तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? तो लॉजिकल बात है कि अगर मुझे बॉडी के दो पॉइंट पता हो, मुझे बॉडी के दो पॉइंट की वेलोसिटी पता हो, तो उनकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें, एंड इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी आई ए ओ आर, इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी आई ए ओ आर। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया। इसके का एक और केस जिसे थर्ड फॉर्मेट बोलते हैं, ध्यान से सुन ले, ध्यान से सुन, जैसे तुम समझ में आ जाएगा जो मैं कह रहा हूं। सोच हमने वी वन वी टू दे दिया, देख इस वाले सवाल में देख, टू वी और वी एक ही लाइन है। सोच तुझे टू वी और वी पता है तो एक ही लाइन है, फिर आई ए ओ आर कैसे ढूंढेगा? मान लो मैंने वी वन वी टू दे दिया, एक टू वी दे दिया और एक, तो एक ही लाइन आई ना। अरे यार एक ही, फिर कैसे निकालेगा? मेरे को बता दे, ये वी वन और वी टू नॉट पैरेलल, तब ये कर पाओगे। अरे भाई साहब नॉट पैरेलल या एंटी पैरेलल? नॉट पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है, तब ये कर पाओगे। अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल, जैसे ये v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, अगर ऐसा है तो तुम कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि ये बॉडी है, बोला कि इस पॉइंट की रफ्तार v1 वेक्टर है और बोला कि इस पॉइंट की रफ्तार v2 वेक्टर है, समझ आया? लाइन ड्रॉ करी तो एक ही आएगी, जब दोनों की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी तो फिर पहला सेकंड फॉर्मेट तो कैंसिल आउट हो गई, सेकंड फॉर्मेट तो। अरे पर ये तो समझ आया कि v1 और v2 इसी लाइन पे कहीं लाई, मतलब v1 v2 की वजह से जो IAOR है कि ऐसी लाइन पे लाई कर रही। अब लॉजिकली सोचो इसमें IAOR कहां होगी? ऊपर नीचे बीच में। कैसे एहसास हुआ तुझे? सोच अगर मैं यहां IAOR ले लूं और ओमेगा ऐसे लूं तो v2 इधर आना पॉसिबल नहीं है? अरे नहीं आया। ऊपर ले लूं तो ऐसा पॉसिबल, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, दोनों दोनों तो बीच में कहीं होगी। अब लॉजिकल है, मान लो यहां कहीं है, मुझे नहीं पता कहां पर है, पर मान लेते हैं यहां कहीं है। ये दूरी मान लो x, अगर ये दूरी हमें पता है d, तो क्या ये दूरी है d माइनस x? अब बहुत सिंपल सी बात है, क्या v1 इक्वल टू है ओमेगा x? अरे भाई साहब v1 इक्वल है और v2 इक्वल टू ओमेगा d माइनस x। डिवाइड करते ही क्या x आ जाएगा? डिवाइड करते ही क्या आ जाएगा? क्या जाएगा? क्या जाएगा? क्या जाएगा? That is how you will get I A O R. That is how you will get. जैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप ध्यान देंगे, मुझे दोनों पॉइंट पता है, तो मुझे समझ में आया कि ये 2V और ये V, तो जाहिर सी बात है I A O R नीचे होगा। क्यों? अब सुनना नीचे क्यों? अब सुनना अच्छे से, कोई बच्चा बोले सर नीचे क्यों? जैसे मैं आपको फील बताता हूं, ध्यान सुनना। जैसे यही सवाल सिर्फ ये दोनों की बात, बच्चा बोले सर ऊपर भी तो हो सकती है, ध्यान सुनना मेरे को बोल देता हूँ। कौन ज्यादा है, टू वी की भी? अगर तुम ऊपर ले लो तो यहां लिखा जाएगा ओमेगा एक्स, फिर यहां लिखा जाएगा ओमेगा एक्स प्लस आर, तो ज्यादा आना चाहिए। तुझे मेरी बात समझ? तो बच्चा बोले सर नीचे क्यों, मैं तो ऊपर भी जा सकता हूं ना, ऐसे भी तो हो सकता था कि यहां हो और ऐसे ऐसे घूमे। अरे हाँ ना बोले यार, तो क्यों नहीं हो, उसका कारण बताता हूं। अगर ध्यान दो तो अगर आप इसके अबाउट ओमेगा मान लो तो ओमेगा एक्स से टू वी, पर ओमेगा एक्स प्लस आर ए वी, ऐसा होना पॉसिबल? ऐसा तभी हो सकता है जब नीचे, ऐसा तभी हो सकता है जब
यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, ऐसा तभी हो सकता है जब, अरे कभी तो हाँ ना बोलो, अरे कोई बुराई, अरे सोच लो, अरे पक्की बात, अरे गारंटी, तीनों फॉर्मेट उतार लो। और याद होनी चाहिए आई ओ आर कैसे निकालते हैं। चलो आ जाओ कदम करते हैं। क्या हमें बात समझ में आई कि आई ओ आर क्या करती है? और हमें साथ साथ ये भी समझ आया कि आई ओ आर अगर कभी निकालना हो तो उसके तीन तरीके हैं, तीनों आपके सामने हैं, कोई रॉकेट साइंस ओमेगा भी पता हो तो भी कर सकता हूँ, V1 V2 पता हो तो भी पता कर सकता हूँ, V1 V2 पैरेलल हो तो भी पता कर सकता हूँ। चलिए आइए मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, जो आपने सवाल करे याद करो, मैंने आपको एक सवाल कराया था, देखा ध्यान से इसको आसानी से कैसे कराया जा सकता है आपको अच्छे समझता हूँ। याद कर, मैंने एक सवाल कराया था कि अगर अपन किसी भी जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया KmR स्क्वायर है, क्या है जो आपने पीछे सवाल करे ना उनको आप ऐसे कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी फील जाता है एच हाइट पे, याद कर अपन ने फोर्स लगाया था और बोला था फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, नहीं आया कराया था याद कर, फिर अपन ने दो इक्वेशन लिखी थी, क्या लिखी थी, दो इक्वेशन, इसको एक इक्वेशन से भी कर सकते हैं, सुनना ये अगर प्योर रोलिंग हो रही तो क्या आई ओ आर है, इसके अबाउट फ्रिक्शन कट ऑफ, पक्की बात, इसके अबाउट एफ कट ऑफ, एफ एच प्लस आर, एफ इक्वल टू आई अल्फा इक्वल टू आई, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा के एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इनटू अल्फा, के अल्फा इक्वल टू ए बाय आर, ये आ गया खत्म आंसर, देख पीछे आंसर आ गया। अरे यार वन लाइन खत्म, अरे अरे सवाल कराया ना, ये कराया कि नहीं कराया, आ गया लो देखो आंसर आ गया, आएगा उतने साल चाह रहा है। बेसिकली मैं आपको कह रहा हूं जितने भी सवाल आपने ऐसे करे थे ना, क्या उनको अपन ऐसे भी और छोटे से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका एक और थोड़ा अच्छा सवाल कराता हूँ, ये सब सवाल आप कर सकते हो आई ओ आर से, अगर आपको फीलिंग आ जाए तो आप आई ओ आर से, पर मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, नॉर्मल प्रोसीजर जाओ, फील आती है दो, एक की जगह दो ले लेते, बट फील ज्यादा आती है, ये चेकिंग के लिए रख लो, किसके लिए रख लो, चेकिंग के लिए। आप सुन इधर देख, एक अच्छा सवाल बताया देता हूं, देख एक तुम्हें बात समझ आएगी, समझ आएगी कि नहीं आएगी, एक अच्छा सवाल इस पे ये है, मान लो ये वो कंस्ट्रेंट मुझे आपने पढ़ा था वहां से बता रहा हूं, ध्यान सुन, मान लो मैं आपको बोलूं कि एक रॉड है थीटा एंगल लेंथ एल, इसका एक पॉइंट V1 से इधर भाग रहा है, अच्छा बोला तो ये बॉडी क्या कर रही है, चल रही घूम रही दोनों, ध्यान से देखिए कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है, सेंटर मास रेस्ट पे नहीं है, अगर ऐसे स्लाइड करेगी तो चल रही घूम रही दोनों, चल रही घूम रही दोनों, और याद कर इस पॉइंट की रफ्तार V1 है, तेरे को याद कर कंस्ट्रेंट में ये V1 होता है, निकालना सिखाया था, सिखाया था कि नहीं सिखाया था, ये पूछा ही नहीं, पर पूछा स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, तू ध्यान से देखे ना तो कौन सी फॉर्मेट है, आई ओ आर वाली सेकेंड, ये V1 है तो ये तू V2 निकाल सकता है, हालांकि इसमें V2 निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, क्या मुझे ऐसी बॉडी जो चल रही है और घूम रही है उसके दो पॉइंट की रफ्तार पता है, आई ओ आर निकालने का तरीका, क्या दोनों के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, क्या दिस इज आई ओ आर, दिस इज आई ए, इसका इसका आई ओ आर का मतलब क्या होता है, क्या अबाउट दिस पॉइंट, क्या दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन,
दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग, मतलब इसके बॉटम में ऐसा मान सकते हैं इट इज रोटेटिंग विद ओमेगा। अब ध्यान देना, सिंपल एकदम ध्यान से देख, इफ दिस इज ओमेगा, दिस इज एल, दिस इज एल साइन थीटा, दिस इज, क्या ओमेगा इंटू एल साइन थीटा इज वी वन? अरे भाई साहब, वी वन इज वॉट? ये चमका नहीं चमका, वो तो सवाल करता हूं बच्चा, क्या सेंटर की दूरी कितनी है यहां से? एल बाई टू ओमेगा, एल बाई टू ओमेगा इज फ्रॉम हेयर, वी वन बाई एल साइन थीटा, खत्म। क्लासिक सवाल है, ध्यान से फिर से, चलो तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इसलिए तो यहां कराया ये वी टू और ये, अरे वी टू वी वन दो पॉइंट की रफ्तार पता है, वी टू को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्शन तो पता है, क्या ये बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेट पे रोटेशन कर रही थी, क्या कोई पॉइंट ऐसा होगा जिसके अबाउट आई ओ आर आएगा? बेकार रिस्पॉन्स आ रहा है, इसके अबाउट आई ओ आर आएगा, तो ये वी वन और ये वी वन और ये वी टू, ध्यान से देख, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, दिस इज आई ओ आर, व्हाट डू यू मीन बाय आई ओ आर, क्या अबाउट दिस पॉइंट बॉडी इज परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन? सपोज विद ओमेगा, सपोज विद ओमेगा, सोच के देखो तो ओमेगा कैसे निकालें, क्या यहां से यहां तक की दूरी एल साइन थीटा? तो वी वन की वैल्यू है क्या ओमेगा? प्योर रोटेशन हो रहा है भाई, तो ओमेगा की वैल्यू क्या गई? वी वन बाई एल साइन। अब सेंटर ऑफ मास भी तो एक पॉइंट ही है उसके लिए, सेंटर ऑफ मास भी तो इस एक्सिस से सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या है? एल बाई टू, अरे ये एल है तो ये भी एल होगा ना, तो आधा एल बाई टू नहीं होगा? अच्छा ये समझ नहीं आया, ये एल है तो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा? अरे भाई साहब, अच्छा ये डाउट था कि साला एल बाई टू कैसे आया, तो एक दूरी कितनी हुई, कितनी हुई, तो अगर ये एल बाई टू तो रफ्तार क्या होगी? ओमेगा, ओमेगा एंड परपेंडिकुलर टू दिस, इधर मत बना लेना क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो ये डायगोनल के अलावा परपेंडिकुलर होगा, ये जरूरी नहीं है। तो ओमेगा एल बाई टू, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है? वी वन बाई एल साइन थीटा, तो वी वन बाई टू साइन थीटा इज द करेक्ट आंसर, नेक्स्ट सही होगा ना, नीचे आएगा कोसेक थीटा, हंसने की बात है, सही तो है, 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा नहीं होता क्या? टीचर तो बनती हंसती रहती है, चश्मा फोड़ के आगे निकाले, गुटिया खेलूंगा, गुटिया नाम है दूसरा मेरा। एक मिनट, तुम्हें समझ नहीं आया? थोड़ी देर तक तो लग रहा था सर आई और हमें समझ आई है, बारह अच्छा सवाल कराया मैंने, उसमें गलती कर दी क्या करा के? अरे मरो मत आ जाएंगे ना, पहले तो क्या आई और समझ आया? ऐसा नहीं इसमें और नहीं पढ़ा जाता, पढ़ा जा सकता है, पर जो पढ़ा है वो भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट कोई खास बात नहीं है, एक अच्छी चीज और एक्स्ट्रा पढ़ाया, तो मैंने पढ़ाया गया उसमें टॉपलिंग ऑफ अ कार इन टर्निंग, चल पढ़ लेते हैं टाइम में, तो आ जाओ देख, पढ़ा दिया तो नहीं पढ़ाऊ, पढ़ दो चलो आ जाओ टाइम है, आइए टॉपलिंग ऑफ अ कार, रफ्तार में सुनते हैं याद कर, टॉपलिंग ऑफ अ कार, अच्छा सवाल है बेसिकली, इसे हेडिंग बना दी गई है, टॉपलिंग ऑफ अ कार इन टर्निंग, पहले आप पुरानी बातें याद करो जो आपने सर्कुलर में पढ़ा था, रफ्तार दी जाए पागल हो जाते हैं, जब अपने सर्कुलर में पढ़ा था कि अगर कोई भी कार एक सर्कुलर ट्रैक पे टर्न ले रही होती तो उसको जो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू होनी चाहिए एम वी स्क्वायर बाई आर, हमें फ्रिक्शन चाहिए एम वी स्क्वायर बाई आर, इतना फ्रिक्शन चाहिए जो चाहिए वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए, डब्ल्यू एम जी एम ने हमको मार दिया वी की डब्ल्यू रूट यू आर जी, बोल या सॉल्व नो, that is what we have studied into circular, that is what we have studied into circular, ek step aage chalte hain circular rotation ki baat karte hain, dhyan se dekho car ko thodi acche se analysis kar do, car ke do tyre hote hain ki char hote hain, char kitne hote hain, char, do andar ki taraf aur do bahar ki, jab car apni ghumti hai to zahir se dekho, agar aapne kabhi dekha to car kabhi kabhi skid karne ki wajah se palat jati hai, to jaise kab tez cheez se ja rahi hai to aise palatti hai ki andar palatti hai, andar palatti hai aise yu titi 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 idhar palatti hai बढ़ती है, यानी कि वो बाहर वाले टायर के अबाउट टॉपल कर जाती है, बाहर वाले टायर के अबाउट
उसे बोलते हैं टॉपलिंग ऑफ अ कार। क्या बोलते हैं? टॉपलिंग। मेरी बात ध्यान से सुना, अच्छे से प्रूफ अच्छा है, सवाल अच्छा है बेसिकली। ध्यान से तो आपकी कार है, इधर देखो ध्यान से। अगर ध्यान से तो कार की बातें मत करो यार, रफ्तार दीजिए प्लीज। अगर अपन देखे ध्यान से तो अपने दो इसके टायर लिए, पीछे बैक पोर्शन, ऐसे मत सोचो कि कार के टायर को सर्कुलर होते हैं, बैक व्यू लिया इसलिए रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं। अपन यहाँ पे अपनी इसकी जो है बेसिकली वो लिख लेते, जो भी लिखना चाहिए 20 अपन लिख लिया। ध्यान से देखो तो अगर अपनी बहुत अच्छी सी चीज देखें तो ये अपनी दूरी है 2a। क्या है? 2a। अपने दोनों टायर के बीच की दूरी हमने 2a ले ली। अपन मान लेते हैं कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो मान लो यहां से h हाइट ऊपर है। कितना है? h हाइट ऊपर। मान के देखो कि अपनी पूरी पूरी v रफ्तार से चल रही है, जिस सर्कल में चल रही है वो रेडियस है r। कितना है? r। कोई बड़ी बात नहीं। अगर कार बाहर की तरफ स्किड करना चाहती है तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन लगता है। अंदर दोनों टायरों पे लगने वाले फ्रिक्शन को f1 f2 मान लो, जिसको इस वाले सवाल में हम कंबाइंड मान के f माना करते थे। बोलिए यस और नो। पर वास्तविकता में f1 f2 हुआ करता था। अगर अपन ध्यान देंगे तो यहां पे लगने वाली नॉर्मल को m1 मान लो और यहां पे लगने वाली नॉर्मल को n2 मान लो। अगर हम पूरे फ्रेम के इसके फ्रेम के हिसाब से चले तो अपन यहां पे लगाएंगे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसे हम बोलते हैं mv2/r, और नीचे की तरफ हम लगाएंगे mg। क्या लगाएंगे? mg। लॉजिकल बात है कि अगर हम सारी इक्वेशंस को बैलेंस करें तो हमें समझ में आएगा कि m1 + m2 होगा mg, m1 + m2 होगा mg, और हमें समझ में आएगा कि f1 + f2 होगा mv2/r। दीस आर द स्टैंडर्ड इक्वेशंस व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। द लास्ट इक्वेशन व्हिच वी हैव टू स्टडी इज कि जब ये टॉपलिंग होनी होगी, क्या होनी होगी? तो समझ में आता है कि टॉपलिंग तब होगी जब m1 m2 में से कोई जीरो हो जाए। टॉपलिंग कब होगी? जब कोई टायर साथ छोड़ दे। जब कोई टायर तो या तो n1 जीरो हो या फिर अब कौन कम है वही जीरो पहले होगा, इसमें कोई शक वाली बात। वो हमें कैलकुलेशन बताइए। अगर बॉडी टॉपल नहीं कर रही है, बॉडी टॉपल नहीं कर रही है तो क्या टॉर्क अपना जीरो होना चाहिए? मान टॉर्क हर बॉडी को जीरो मान लेते हैं, हम जीरो प्रूव करना है। इसके बॉडी जीरो प्रूव करते हैं, इसके बॉडी का टॉर्क जीरो प्रूव करें। देखो ध्यान से, सेंटर का वॉक भी कर सकते हो, जहां आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। इसके बॉडी जीरो थोड़ा अच्छा लगेगा, अरे भाई हां बोल यार। इसके बॉडी का टॉर्क जीरो करें तो n2 का टॉर्क जीरो, f2 का टॉर्क जीरो, f1 का टॉर्क जीरो, f1 का टॉर्क जीरो, f2 का टॉर्क mg/2 - mv²h/2 r a। अरे भाई साहब, n1 की वैल्यू आई mg/2। अबे सॉल्व कर दिया एक ही क्वेश्चन में। अरे हां ना तो बोल। n1 की वैल्यू आई mg/2 - mv²h/2 r a। अरे नहीं आया? आया नहीं आया, n1 आ गया। सोच यहां पे n1 रख दो तो क्या n2 है? mg - this। mg - this करोगे तो देख n2 क्या आएगा। n2 आएगा mg/2 + mv²h/2 r। अब बता कहां खतरा है जीरो होने का? n1 पे n2 पे? n2 जीरो ना पॉसिबल नहीं है। अगर टॉपल n2 के अबाउट ही करेंगे, सोच अगर टॉपलिंग नहीं होनी है, टॉपलिंग नहीं होनी है, अगर टॉपलिंग नहीं होनी है तो ये वाली वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए। इससे बड़ी होनी चाहिए जीरो की, तो टॉपलिंग हो जाएगी? नहीं आया। फॉर नो टॉपलिंग, फॉर नो टॉपलिंग, क्या n1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। नहीं आया। n1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि लिखा गया mv²h/2 r a शुड बी लेस देन इक्वल टू mg/2। 2 ने 2 को मार दिया, m ने m को मार दिया, v शुड बी लेस देन अंडर रूट ऑफ r। लॉजिकल बात है, जितनी ज्यादा ये रफ्तार होगी उतना खतरा कम होगा। अरे ये वी मैक्स है, इससे रफ्तार कम होनी तो किसी भी कार के लिए ज्यादा होना चाहिए कम? ज्यादा कम,
इतनी रफ्तार तक सेफ हो, इतनी रफ्तार तक सेफ हो, तो रफ्तार कम होनी चाहिए ज्यादा ज्यादा। अबे इतनी रफ्तार तक सेफ हो, अगर किसी कार की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड तो 10 मीटर पर सेकंड से कम पे सेफ है ना वो, तो रफ्तार ज्यादा होनी चाहिए कम, ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, जितनी ज्यादा होगी उतना सोच कौन सी कार सेफ है जिसका एच ज्यादा कम है, एच और ए मतलब वो कारें कम पड़ती है जिनका बेस हो और चपटी हो, भाई साहब जिनका बेस हो और चपटी हो मतलब एच हो, तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ, अरे आई कि नहीं आई, अरे सोच लो, अरे हाँ ना बोल उधर, जो करे चित्तौर है पढ़ो अच्छा लगेगा, साइकिल चलाएंगे चलाएंगे नहीं चलाएंगे, जब साइकिल चलती है, जब साइकिल तो ऐसा समझो कि आइडियल सिचुएशन में दोनों टायर प्योर रोल करते हैं, घसीटती तो नहीं अपनी साइकिल, दोनों टायर क्या करते हैं, अच्छा मैं साइकिल वाले समझा रहा हूँ, बट वो कार मोटरसाइकिल सबके लिए, मोटरसाइकिल में इंजन लगा होता है तो जो आप पेट्रोल मार के चेन घुमाते हो क्या वो इंजन करता है, द सेम हैपेंस टू द कार, इंजन ही आपके पिछले टायर को, अगले टायर को वो देता है टॉर्क, क्या देता है बेसिकली, आप टायर के बारे में समझो तो जो आप चेन, जो चेन लगी होती है, चेन देखिए किस 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 टायर से जुड़ी होती है, पीछे के आगे पिछले टायर से जुड़ी होती है अपनी साइकिल में, तो अगर जो बेसिकली वो क्या करती है चेन, आप ऐसा समझो जो चेन है वो टायर पे है ना, ऐसा समझो तो चेन का अगला हिस्सा इधर फोर्स लगाता है और पिछला हिस्सा भी इधर ही लगाता है, आप ऐसे लगाते हो तो चेन के दांते फंसे होते हैं उसमें, तो उसको ऐसे घुमाते हैं, अरे यार पर ये कपल टॉर्क है, उस चेन से फोर्स नहीं आता, क्या आता है टॉर्क, क्या आता है टॉर्क, नहीं आया, आया। अगर आप कोई भी जो अपनी साइकिल होती है जो मजदूरों वाली साइकिल, उसको अगर स्टैंड पर खड़े करके घुमाओ तो टायर घूमता है पिछला, अरे हाँ बचपन में कई बार करा होगा, साइकिल खड़ी हुई उसमें चढ़ गए पता लगा स्टैंड से उतर गई, अरे हाँ ना बोलिया, फिर बहुत शौक होता साइकिल चलने का, तो केजी करके भी चलाई होगी, चलाई नहीं चलाई चलाई क्या तुम डायरेक्ट ही पायलट की ट्रेनिंग लेते हो बैठ के, अरे बेटा है ना, तो ये अपना एफ एफ क्या चीज अपना एफ एफ, तो बेसिकली वो कपल टॉर्क देता है, क्या देता है क्या देता है कपल टॉर्क देता है, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, भी कपल टॉर्क देता है, उस कपल टॉर्क उस कपल टॉर्क की वजह से टायर घूमता है, सोचो मान लो फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन ना हो तो वुड में कई बार पूछ चुका हूं मैं कार को कौन चलाता है, इंजन की फ्रिक्शन, एक से नहीं चलती कार, एक डाउन इंजन फ्रिक्शन, क्योंकि बिना इंजन नहीं चल जाएगी, इंजन का काम है उसे घुमाना, तो ऐसे घूमी, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये पॉइंट कहां भागता, अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो ये पॉइंट कहां भागता, पीछे ऊपर किसे भागे, ये पॉइंट कहां भागता, कहां भागता, कहां भागता, ये पॉइंट भागता पीछे, चूंकि पॉइंट पीछे भागता तो फ्रिक्शन कहां लगता, कहां लगता, तो पीछे टायर पे फ्रिक्शन कहां लगता, स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक, ये पिछले टायर की कहानी है, जब हम कार साइकिल को एक्सेलरेट कर रहे थे, अगले टायर में देखो, अगले टायर पे चेन नहीं है, अगले टायर पे चेन नहीं है, अगले टायर में अगले टायर पे मान लो जैसे रॉड है, ऐसे ये रॉड, इस पे जो भी फोर्स लगाएगी वो ऐसे होगा, एक्स एक्स
बाई से हमें कोई खास लेने आएगी, वो तो इम्पल्स लाएगी एक ऐसा फोर्स। अगर किसी भी सर्कुलर चीज पे सेंटर पे फोर्स लगे प्योर में याद करो अभी तक, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा प्योर रोल करने के लिए? पिछले टायर पे फ्रिक्शन कहां लगा? आगे। पिछले टायर पे फ्रिक्शन कहां लगा? अगले टायर पे। अगले टायर पे साइकिल चली क्यों? ये सच्चाई है, जब साइकिल एक्सीडेंट कर दी तो पिछले वाले पे कहां लगता है? और अगले वाले पे? तो चली क्यों? ये एफएफ बराबर नहीं है, ये दोनों स्टैटिक हैं, इसकी वैल्यू अलग है और इसकी वैल्यू इन केस ऑफ एक्सीलरेशन दिस इज f1 ग्रेटर देन f2, बोथ आर स्टैटिक, बोथ आर स्टैटिक। सवाल आ सकता है कि साइकिल जब एक्सीलरेट करती है तो क्यों करती है? पहली बात किसकी वजह से? फ्रिक्शन। किसकी वजह से? पिछले टायर पे फ्रिक्शन किधर लगता है? और अगले टायर पे? फिर भी क्यों चलती है? क्योंकि दोनों फ्रिक्शन बराबर नहीं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड, इसलिए लोड ज्यादा पीछे रखा जाता है। आप पीछे की तरफ बैठते हो आगे की तरफ? अलग अलग बहुत सारी डिजाइन हो सकती है, वो एक अलग बात है, पर जो नॉर्मल डिजाइन पे अपन बात कर रहे हैं उस पर, बाकी एरोडायनामिक्स ऑफ कार स्कूटर्स इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, बट द नॉर्मल थिंग इज दिस। इन मोटरसाइकिल्स आल्सो वी डू द सेम, जब हम ब्रेक लगाते हैं, क्या लगाते हैं? तो हम क्या करते हैं, टायर से घूमना होता है, ब्रेक होता है उसमें, वो रबर के गोटे लगे होते हैं, वो दबते हैं उसके रिंग पे, तो क्या घटती है? ओमेगा। क्या घटती है? जैसे पिछले टायर में ब्रेक लगाया, तो ऐसा तो नहीं चेन भी चलाते रहते हैं और ब्रेक भी लगाते हैं। कॉमन सेंस कहता है कि चेन मतलब टॉर्क देना बंद करते हैं, क्या लगाते हैं? तो ब्रेक लगाते हैं तो वो ऐसे घूम रही होती है, तो गुट्टे लगते हैं ऐसे, तो क्या कम होता है? ओमेगा। ओमेगा कम होगा तो सोच ये पॉइंट आगे स्लिप करना चाहेगा, ओमेगा कम कर देना, वो क्या करेंगे? ओमेगा। अगर ओमेगा कम करना चाहिए तो ये पॉइंट ओमेगा आर पीछे रफ्तार दे रहा है और वी आगे, तो ओमेगा आर अगर कम होगा तो क्या फ्रिक्शन वी को कम करना चाहेगा? तो फ्रिक्शन कहां आएगा? पीछे, तो साइकिल को रोक देता है, तो साइकिल को एक्सीलरेट भी फ्रिक्शन ही करता है और डी एक्सीलरेट भी। कॉमन चीजें जो आपको समझाई गई, बिल्कुल सेम हैपेंस टू व्हाट? मोटरसाइकिल। एंड सेम हैपेंस टू व्हाट? कार्स। कार में दो टायर पीछे होते हैं, एक्सेल जुड़ा होता है, इंजन से क्या जुड़ा होता है? एक्सेल। पिछले दो टायर को टॉर्क देता है। इसलिए आपने कार में सुनी होगी दो टाइप की कार आती है, टू व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव। जो मिलिट्री की जीप या आर्मी की जीप वगैरह होती है, पुलिस की, वो सब फोर व्हील ड्राइव होती है। क्या होती है? जैसे आप ध्यान दो, आपकी कार मेरे को बोले तो तुम्हें आता है, अच्छी बात है। कार अगर आप देखो, कार मोटरसाइकिल जो भी अपनी फंसती है, चलिए हमारी जो कार है वो सब कार ही फंसती है, पिछला टायर फंसता है, अगला नहीं फंसता। अब तुम खाई में कुदा दो तो कुछ भी बच जाएगा, पर कीचड़ वीचड़ में फंसने का काम कौन सा टायर का होता है? पिछले टायर का। अगला निकल जाता है, क्योंकि पिछला टायर अगर फंस गया वहां फ्रिक्शन नहीं है तो कीचड़ उछलता रहेगा पीछे, क्योंकि पिछले टायर को निकालने वाला कोई भी अगला तो पहले ही उसको पीछे धकेल रहा है। अरे भाई साहब, अगला तो पहले ही उसको, इससे पीछे वाला फंस जाता है। पर अगर अगला फंस जाए तो कौन निकाल लिया जाता है? पीछे वाला निकाल लिया जाता है। इसलिए आर्मी की पुलिस की जीप में फोर व्हील ड्राइव होती है। फोर व्हील ड्राइव मतलब आजकल फोर व्हील ड्राइव मतलब चारों पे टॉर्क देता है इंजन, तो जो आप कपल टॉर्क से पीछे वाले पे ले रहे हो वो कहां होगा? आगे भी होगा, और तो चारों टायरों पे फ्रिक्शन आगे मिलता है, चारों टायरों पे फ्रिक्शन, चारों टायरों पे फ्रिक्शन आगे मिलता है। तो उससे क्या होता है, अगर पिछला फंस जाए तो कौन निकाल लेता है, और अगला फंस जाए तो पीछे वाला। तो आर्मी की जीप, पुलिस की जीप, या आजकल तो एसयूवी जो भी आती है, उनमें ऑप्शंस होते हैं कि आप टू व्हील ड्राइव लेना चाहते हो या, पर जाहिर सी बात है कि आप ज्यादा ताकत का प्रयोग करोगे तो एवरेज कम हो जाएगा। इसलिए नॉर्मली हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, हमारी कार बहुत शानदार होती है, हमें कौन सा गड्ढों में चलानी है, कूदानी है। पर जो कीचड़ में चलने वाली आर्मी की जीपें हैं, जहां पे जरूरत है, तो वहां पे फोर व्हील ड्राइव की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा पावर की आवश्यकता होती है। दिस इज नोन एज फोर व्हील ड्राइव। क्या चीज? तो नॉर्मल से फंडे, अगर आप अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाओगे डिजाइनिंग पार्ट में, देन यू हैव टू स्टडी इट। उतार के जो इच्छा हो।